बाल विवाह मुक्त भारत को लेकर रीवा जिले के कोर्ट परिसर एडीआर दफ्तर में जागरूक कार्यक्रम हुआ संपन्न। नमस्कार, मैं मनीष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए चलते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां बाल विवाह मुक्त भारत को लेकर रीवा जिले के कोर्ट परिसर एडीआर दफ्तर में किया गया जागरूक कार्यक्रम। जानकारी के मुताबिक बताते चलते हैं कि जिले के कोर्ट परिसर में एडीआर दफ्तर सत्यार्थी फाउंडेशन की तरफ से सुमित सिंह के नेतृत्व में बाल विवाह मुक्त भारत का कार्यक्रम किया गया, जिसमें लोगों को जागरूक करते हुए बताया गया कि 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र की लड़के की शादी करवाना गैरकानूनी है। बाल विवाह करवाने वाले या उससे अधिक किसी भी तरह की सहयोग करने वाले या भागीदार बनने वाले, हिस्सेदार होने वाले किसी भी व्यक्ति के 2 साल तक की जेल और 1,00,000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है। वहीं सुमित सिंह ने अपने शब्दों में जोर देते हुए कहा कि बाल विवाह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने हेतु पुलिस को 112 नंबर पर चाइल्ड हेल्प नंबर 1098 पर सूचना दे सकते हैं। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। रीवा से उमेश सिंह की रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? सुमित सिंह। सुमित जी, आज आप लोगों ने एक जागरूकता अभियान को लेकर के एक कार्यक्रम किया है, क्या क्या कैसा कौन सा कार्यक्रम था ये? हम लोग सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के द्वारा पूरे रीवा जिले में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, जो आज से आगामी 16 अक्टूबर तक चलेगा। आज यह कार्यशाला, वर्कशॉप और पब्लिक डायलॉग का कार्यक्रम किया गया था, जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार या उनके सहयोग से कैलाश सत्यार्थी चंद्रन के डीएलएसए सेक्रेटरी अहमद रजा सर उपस्थित हुए, हमारे रीवा जिले के एडिशनल एसपी साहब उपस्थित रहे, सभी पुलिस विभाग, महिला बाल विकास, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सहित सभी एनजीओ, विद्यार्थीगण, पत्रकारिता के और सबने सहभागिता की है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि इस अभियान को हम लोग गाँव-गाँव तक ले जाएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे कि बाल विवाह गैर कानूनी है, और दूसरे जब किसी बच्चा या बच्चे के साथ बाल विवाह करते हैं तो उसका यौन शोषण भी उसी प्रकार से होना चालू हो जाता है। जबकि किसी अन्य बालक या बालिका के शादी के पहले अगर 18 साल से कम है, किसी भी प्रकार का यौन शोषण होता है, अपराध के दायरे में आता है, पॉक्सो एक्ट लगता है। लेकिन ठीक उसी बालिका जब विवाह कर दिया जाता है, कम या बाल विवाह कर दिया जाए, तो उस पर कोई एक्ट या कोई धारा नहीं लगती। हालांकि गैर कानूनन तो है, लेकिन जानकारी भी नहीं आती, क्योंकि उसमें पूरा समाज शामिल होता है। तो हमारा उद्देश्य हम समाज को जागरूक करें, अधिक से अधिक समुदाय हमसे जुड़े, सभी विभाग जुड़े, सभी विभागों का हमको बड़ा सपोर्ट मिलता है, चाहे हमारा जिला प्रशासन हो, चाहे डीएलएसए हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, सब हमारा सहयोग कर रहे हैं। और हम लोग इस कैंपेन को आगामी 16 अक्टूबर तक रन करेंगे, इसके बाद देखेंगे क्या परिणाम आता है, और प्रयास करेंगे जितने भी चाइल्ड मैरिज हमारी जानकारी में आए उस पर हम लोग इंटरवीन करें, उनको रोकने का प्रयास करें। और आप मीडिया के साथियों से भी दरख्वास्त है कि ऐसे मुद्दों को जोर शोर से उठाएँ और हमारा सहयोग करें। इस कैंपेन को आप जिले में कहाँ कहाँ लगाएंगे? इस कैंपेन को हमारा उद्देश्य, क्योंकि अभी चुनाव है इस वर्ष, तो प्रशासनिक अमला बहुत व्यस्त है, और इसके हमारा प्रयास है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर हम लोग इसको ले जाएँ प्रशासन के सहयोग से, और हर गांव को टारगेट करने का प्रयास है, वहाँ जागरूकता कार्यक्रम हो, वहाँ ये प्रयास हो कि हर गांव बाल मित्र ग्राम बने, हर गांव अपना ये पंचायत डिक्लेयर करें कि हमारी पंचायत बाल विवाह मुक्त है, हमारी पंचायत में कोई चाइल्ड लेबर नहीं है, हमारी पंचायत में कोई बच्चों के साथ अनैतिक कार्य नहीं हुए हैं, ये हमारा प्रयास है। जैसे बसे रहते हैं कोटवार, रहते हैं छोटे गांव में कोटवार रहते हैं, तो कम से कम कोटवार की रोटी बनती है, लेकिन ऐसी कोई मैरिज वहाँ हो रही है, क्योंकि गांव में कुछ भी कार्यक्रम होता है उसकी चर्चा सबको होती है, छोटी सी मैरिज भी होती है, क्योंकि वहाँ वैसी मैरिज नहीं होती है, एक दिन में बस सुबह में और दोपहर में मैरिज हो गई, वहाँ बहुत सारे मैडम सब लेने जाती होगी, तो आप बताइए आपका जो स्कूल है, हम कराते हैं आपके स्कूल में, वहाँ भी चलते हैं, और वहाँ भी हमारा करता हुआ है, हम सर्वे इसी बात पे लेते हैं जागरूक करने की, और आप भी हमारे साथ चलिए, प्लीज जब भी कोई कार्यक्रम होगा हम आपको इनवाइट करेंगे, चलिए और अच्छा लगा, कम से कम ऐसे लोग हैं जो लोगों को जागरूक करने के लिए इच्छुक हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।